नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसे जैसे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन का समय पास आ रहा है, वैसे वैसे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित अफवाहों का बाजार गर्माता जा रहा है। बहुत से माता पिता कमेंट्स के द्वारा हमसे कई प्रकार के सवाल करते हैं। जब हम उन्हें बताते हैं कि यह जो आप सवाल कर रहे हैं यह बिल्कुल गलत है और यह सिर्फ एक अफवाह है, आप ऐसी बातों में ना आए, तो माता पिता कई बार हमें बताते हैं कि आसपास रहने वाले लोग या फिर वह इंसान हमें इस बारे के बारे में बता रहा है या फिर वह शख्स हमें ये ऐसी जानकारी दे रहा है। हम आपको यह कहना चाहते हैं कि इस समय पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित बहुत प्रकार की अफवाहें फैल रही हैं जो कि सरासर गलत हैं, जिनका सच्चाई से कोई भी संबंध नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 10 अफवाहों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। अगर यह 10 जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं आपको आपके किसी ने बताया है तो वह सरासर गलत है और आप इस तरह की बातों में ना आए। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज हम बात करें उन 10 अफवाहों के बारे में जो कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन संबंधित हैं और वह लोगों को कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जो कि शरारती तत्व है और अपने निजी फायदों के लिए इस प्रकार के अफवाहें उड़ा रहे हैं ताकि वह कुछ लोगों का या फिर तो नुकसान कर सके या फिर उन्हें खुद पैसे संबंधित लाभ हो सके। सबसे पहली अफवाह यह उड़ाई जा रही है कि केंद्रीय विद्यालय में केवल उन्हीं बच्चों का एडमिशन हो सकता है जिनके माता पिता सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। हम आपको कहना चाहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संघ ने अपनी गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है कि केंद्रीय विद्यालय में कोई भी एडमिशन के लिए ट्राई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वही बच्चे सिर्फ उन्हीं बच्चों का एडमिशन मिलता है जिनके माता पिता केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। ऐसा नहीं है, केंद्रीय विद्यालय में किसी भी बच्चे का एडमिशन मिल सकता है। मैं खुद बहुत बच्चों को जानती हूँ जो जनरल कैटेगरी में है आते हैं और वह केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको इस प्रकार की कोई बात कह रहा है कि जी आप केंद्रीय विद्यालय में ट्राई ही मत करिए, इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों को एडमिशन मिलता है, तो यह सिर्फ अफवाह है, आप ऐसी बातों में मत आइए। एक दूसरी अफवाह, बहुत लोग हमसे इसके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए किसी प्रकार का डोनेशन या बिल्डिंग फंड या कैपिटेशन फी या किसी भी प्रकार का पैसा देना पड़ता है। हम आपको बोलेंगे जी नहीं, यह सिर्फ अफवाह है और इसका वास्तविकता यानी कि सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। केंद्रीय विद्यालय संघ बहुत ही ईमानदारी से काम करता है। केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्टाफ और बाकी जो भी लोग केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हैं वे बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं। केंद्रीय विद्यालय में दी जाने वाली एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ही हाई होती है, तभी तो भारतवर्ष के ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं। इसीलिए आप इस प्रकार की किसी भी अफवाह में ना आएं। केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का डोनेशन नहीं देना। एक और सवाल जो माता पिता हमसे करते हैं जो कि एक अफवाह है कि माता पिता का इंटरव्यू होता है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए। जी नहीं, माता पिता को किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं देना पड़ता केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए। बहुत से लोग इस प्रकार की अफवाहें उड़ाते हैं कि माता पिता को इंटरव्यू देना पड़ता है, वह इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है, उसमें बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल करते हैं। तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वे अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए ट्राई ही ना करें। यह सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। केंद्रीय विद्यालय में अगर आप किसी भी क्लास में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो माता पिता का किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। आप इस प्रकार की अफवाह में बिल्कुल भी ना आए। एक और अफवाह बहुत फैली हुई है कि जी बच्चों का इंटरव्यू होता है एडमिशन के लिए, यह बिल्कुल गलत है। केंद्रीय विद्यालय किसी भी प्रकार का इंटरव्यू बच्चों का नहीं लेता। अगर आपके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो आपको जो दस्तावेज हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। सही समय पर डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, भरने हैं, सबमिट करवाने हैं और बच्चों को किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं देना, चाहे वह बच्चा पहली कक्षा में एडमिशन लेने वाला है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं,
कोई भी कक्षा है, बच्चों का इंटरव्यू नहीं होता केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए। एक और अफवाह बहुत फैली हुई है जो कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित है कि जी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए बच्चों का एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये एंट्रेंस टेस्ट बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत सी जगहों में छोटे छोटे कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, वो कोचिंग सेंटर वाले ट्रेनिंग देते हैं, उन टेस्ट की प्रिपेयर करवाते हैं कि आपकी बच्चा पहली कक्षा में जाएगा उसका एंट्रेंस टेस्ट होगा, दूसरी में तो हम आपकी तैयारी करवाते हैं, ये करवाते हैं। जी ये अफवाह है, आप इस बात में बिल्कुल ना आए। नौवीं कक्षा को छोड़कर यानी क्लास नाइन्थ को छोड़कर किसी भी क्लास के लिए एडमिशन का एंट्रेंस टेस्ट केंद्रीय विद्यालय नहीं कंडक्ट करवाता। अगर आपका बच्चा कक्षा नौवीं में एडमिशन लेने जा रहा है केंद्रीय विद्यालय में, तभी बच्चे का एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसके अलावा नौवीं को छोड़कर किसी भी कक्षा में अगर आपका बच्चे का एडमिशन होने वाला है केंद्रीय विद्यालय में, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाना, तो आपके बच्चे का एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा कक्षा नौवीं को छोड़कर। एक और क्या बोलूं मैं, अफवाह है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए सभी क्लासेस का ऑनलाइन एडमिशन होता है। बहुत लोगों ने हमसे पूछा, मैडम ऑनलाइन एडमिशन तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्या करें केंद्रीय विद्यालय में तो सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन होता है। यह बिल्कुल गलत है, यह अफवाह है। ऑनलाइन एडमिशन सिर्फ पहली कक्षा का होता है। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन पहली कक्षा में करवाना चाहते हैं तभी ऑनलाइन एडमिशन होगा। ऑनलाइन एडमिशन का मतलब है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म को भरना। उसके अलावा दूसरी से बारहवीं कक्षाओं का एडमिशन ऑफलाइन होता है, यानी कि आपको स्कूल जाना है, फॉर्म को लेना है, फॉर्म को भरना है, दस्तावेज को साथ में जो फोटोकॉपी मांग दस्तावेज की फोटोकॉपी मांगी उन्हें जोड़ना है, वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे वह स्कूल में देने हैं, और यह ऑफलाइन मोड के थ्रू ट्राई करना है, यानी कि ऑफलाइन पंजीकरण होगा, पंजीकरण का प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। तो सभी कक्षाओं का ऑनलाइन एडमिशन नहीं होता, सिर्फ कक्षा पहली के लिए आपको ऑनलाइन एडमिशन करवाना पड़ता है। एक और अफवाह है जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि बहुत से स्कूल्स, छोटे बच्चों के स्कूल खुल गए हैं जो अपने वो केवी जूनियर कह रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि हम केंद्रीय विद्यालय की जूनियर ब्रांच हैं, हमारे इधर से बच्चों को नर्सरी केजी करवाइए, कक्षा पहली में हम डायरेक्ट एडमिशन करवाएंगे, आपके बच्चे का कक्षा पहली में डायरेक्ट एडमिशन होगा। जी ऐसा कुछ भी नहीं है, केंद्रीय विद्यालय की कोई भी जूनियर ब्रांच नहीं है। केंद्रीय विद्यालय कक्षा पहली से शुरू होते हैं, अभी कक्षा बारहवीं तक जाते हैं, उनकी किसी भी प्रकार की जूनियर ब्रांच नहीं है। तो यह सिर्फ अफवाह है, आप किसी भी प्ले स्कूल में अपने बच्चों को करवाइए, अपनी इच्छा से करवाइए, लेकिन इस प्रकार की बातों में आकर एडमिशन ना करवाएं। केंद्रीय विद्यालय अपने आप में एक यूनिट है, उनका कोई जूनियर या सीनियर ब्रांच नहीं है। एक और अफवाह है कि केंद्रीय विद्यालय में जी एडमिशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, केंद्रीय विद्यालय में किसी भी उम्र का बच्चा कोई भी कक्षा में एडमिशन ले सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए एक उम्र का एक हिसाब होता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कक्षा पहली में एडमिशन के लिए 5 से 7 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए, दूसरी के लिए 6 से 8, तीसरी के लिए 7 से 9, चौथी के लिए 8 से 10, पांचवी के लिए 9 से 11, छठी के लिए 10 से 12, सातवीं के लिए 11 से 13, आठवीं के लिए 12 से 14, नौवीं के लिए 13 से 15 और दसवीं के लिए 14 से 16 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और यह सब जो एज का क्राइटेरिया है, ये उनकी गाइडलाइंस में केंद्रीय विद्यालय संघ ने अपनी जो गाइडलाइंस इश्यू करी हुई एडमिशन से संबंधित, उसमें उसकी जानकारी है, आप ये वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एज की कोई लिमिट नहीं होती, केंद्रीय विद्यालय में एज की न्यूनतम और अधिकतम उम्र की सीमा होती है, और उसी सीमा के अंदर अगर बच्चे आते हैं तभी उनका एडमिशन हो पाता है। एक और पता नहीं, ना जाने क्यों लोग इस तरह की कई गलत लोग शरारती तत्व अफवाह फैला रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यानी पंजीकरण करवाने के लिए फीस लगती है, अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन फॉर्म की फीस भरेगी लगी आपको भरनी पड़ेगी, या फिर आप स्कूल जाएंगे और आप स्कूल से पंजीकरण करवाने के लिए फॉर्म लेंगे तो उसके लिए भी आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, आपको फॉर्म खरीदना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, केंद्रीय विद्यालय में पंजीकरण करवाना बिल्कुल मुफ्त है, चाहे वह ऑनलाइन है चाहे वह ऑफलाइन है, किसी प्रकार का आपको पैसा नहीं देना, रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस तरह की अफवाहों में बहकावों में ना आए, केंद्रीय विद्यालय में रजिस्ट्रेशन का या पंजीकरण का पैसा नहीं लगता। और आज की आखिरी एक पॉइंट जो कि एक अफवाह है और जिसमें लोग ना जाने क्यों इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन तो बहुत ही चुपचाप तरीके से हो जाता है, चुपचाप तरीके से केंद्रीय विद्यालय अपने बच्चों में एडमिशन करवा देता है, अपने बच्चों को एडमिशन दे देता है,
और ये भनक औरों को नहीं लगने देता। यह बिल्कुल गलत बात है, सरासर अफवाह है। केंद्रीय विद्यालय ने अपने एडमिशन की तारीखों की घोषणा अभी से ही कर दी है, जिसमें हमने अपनी एडमिशन घोषणा करके अपनी एक वीडियो आपको दिखाई है, पब्लिश करी है, और आप में बहुत सारे 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ हमारे उस वीडियो पे आ चुके हैं अभी तक। केंद्रीय विद्यालय ने अपने एडमिशन शेड्यूल को अभी से लोगों तक उसकी जानकारी दे दी है, और केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है। केंद्रीय विद्यालय कोई भी चीज़ छुपाता नहीं है। केंद्रीय विद्यालय संघ एडमिशन प्रक्रिया बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से करता है और किसी भी चीज़ को छुपा के नहीं करता, ओपनली करता है। और कई बार ऐसा होता है कि सीट अगर पूरी नहीं होती और केंद्रीय विद्यालय वाले दोबारा रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के लिए बच्चों के लिए इसकी एड देते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो वो न्यूज़पेपर में देते हैं, वो लोकल इन्फॉर्मेशन उसकी स्प्रेड करते हैं। तो किसी भी प्रकार से एडमिशन प्रक्रिया छुपी नहीं होती या वह किसी प्रकार की छुपाई नहीं गई होती, वह हिडन नहीं होती, बहुत ही ओपन होती है, बहुत ट्रांसपेरेंट होती है। और हम सराहना करना चाहेंगे केंद्रीय विद्यालय संघ की कि वह उन्होंने केंद्रीय विद्यालय को इतने अच्छे ढंग से चलाया हुआ है। हम सराहना करना चाहेंगे केंद्रीय विद्यालय प्रिंसिपल्स की, टीचर्स की, स्टाफ की, वह सारे लोग जो केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हुए हैं कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से केंद्रीय विद्यालय को चलाया हुआ है। इतनी अच्छी तरह की एजुकेशन दी जाती है, इतनी अच्छे प्रकार से शिक्षा प्रणाली वहाँ पर स्कूल्स में है कि ज़्यादातर बच्चे और माता पिता वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चाहते हैं कि वे केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे केंद्रीय विद्यालय से ही पढ़े। तो हम उम्मीद कर रहे हैं हमारे द्वारा बताई गई ये 10 अफवाहें, यानी ये भाई 10 बातें जो लोग एक दूसरे को गलत जानकारी दे रहे हैं, जाने अनजाने या फिर जानबूझ के, आपको उनके बारे में पता चल गया होगा और आप इन अफवाहों में नहीं आएंगे। आप किसी प्रकार का लोगों को पैसा नहीं देंगे। फॉर्म भरना बहुत आसान होता है, खुद फॉर्म भरेंगे और अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगली बार फिर मिलते हैं और बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित किसी अन्य विषय पर। तब तक मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।